मेरे प्यारे छात्र, आठवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम मिर्च मसाला नामक पाक के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज वह पाठ समाप्त करने वाला हूं और साथ ही साथ मैंने पिछली कक्षा में कहा था आपको कुछ ग्रामर के बाद भी देखेंगे, बाद में हमें क्वेश्चन आंसर भी करना है। आगे का बात लेता हूं और पिछली कक्षा में अंत में उसका सारांश कहने में थोड़ा जल्दीबाजी हुआ था, इसलिए थोड़ा सा पीछे से आते हैं। चंपा से रहना गया, उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट बढ़ जाएगा। अपने सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक बुरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, बुरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसा होगा। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसी ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरे, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहां तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेश के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है, राई का पहाड़ बन गया है। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा बोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखेंगे हम इसका सारांश। बच्चों, बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। अचानक उसे खांसी आई। खांसी आने के कारण से क्या हुआ, दूध का लोटा लुढ़क गया और सारे दूध, मुंह से भी दूध और तथा लोटा का भी दूध जमीन पर गिरा और इस तरह पूरे फैले हुए दूध में उसे 2 पंख नजर आए। 2 पंख नजर आते ही उन्होंने अपने पत्नी हीरा से कहा। हीरा ने यह भी कहा कि कसम से वादा करवाया। हीरा कसम की और साथ ही साथ वह कुछ समय के लिए रुके, लेकिन वह रहस्य उसके पेट के अंदर न रह पाया, इसके मतलब उसके दिल के अंदर न रह पाया। अपने पड़ोसी चंपा से जाकर सारी बात कह दी और उनसे कह दिया किसी से मत कहना। कहते वक्त चंपा ने भी कहा, यह रहस्य तुम भी किसी से मत कहना, क्योंकि क्या है, लोग छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। लेकिन जो बात चंपा से कहा था ना, वह बात चंपा के दिल में भी नहीं रह पाया। वह सीधा जाकर उसके पड़ोसी चमेली से जाकर मिली। चमेली से कहते वक्त क्या कहा, उन्होंने बोलू को काशी आकर उसके पहले हुए दूध में, मुंह से आया हुआ दूध से और दूध जमीन पर गिरा था, उस पहले हुए दूध में उसको 2 पंख नजर आए, वह बात उन्होंने कहा था। हीरा चंपा से कहते वक्त बहुत सारे पंख कहा, चंपा चमेली से कहते वक्त बहुत सारा पंख नहीं, पूरा कबूतर ही बाहर आए, ऐसा कहा। चमेली को यह कहते वक्त एक रहस्य की बात है, वादा करवा लेता हूं तुमसे, क्योंकि क्या है, तुम्हें किसी से नहीं कहना है, यह रहस्य की बात है। चमेली से कहते वक्त उन्होंने वादा करवा लिया और कहा, जानते हो आज क्या हुआ, आज तो बोलू के मुंह से पूरे के पूरे कबूतर ही निकले। यह कहते वक्त
एली को आश्चर्य हो गया। क्या मुंह से कबूतर निकल सकते हैं क्या? उन्होंने एक और प्रश्न चंपा से पूछे कि वह आदमी इस पक्षी को खाया कैसे होगा? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी रहते हैं, छोटी सी पक्षी नहीं है, हमिंग बर्ड नहीं है। हमिंग बर्ड तो खाए तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन कबूतर तो खा नहीं सकते। मुंह तो इतना छोटा है लेकिन वह तो खा नहीं सकते। चंपा को वह उस पर विश्वास नहीं हुआ। इस तरह देखिए मिर्च मसाला पार्ट में बोलू से हीरा, हीरा से चंपा, चंपा से चमेली, चमेली से एक और पड़ोसी। पड़ोसी भी कहते हैं, पड़ोसन भी कहते हैं। सी बोलू हीरा से कहा, हीरा चंपा से कहा, कहे चंपा चमेली से, कहे चमेली एक और पड़ोसन से कहे। आखिर क्या क्या है उसके अंत में भी देखेंगे। यहां बोलू के यहां दो पंख नजर आया, हीरा के यहां बहुत सारे पंख कर दिया, चंपा ने पूर्ण कबूतर कहा, चमेली ने क्या कहा और एक और पड़ोसी ने क्या कहा, उसके बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। अब बोलू से हीरा, हीरा से चंपा, चंपा से चमेली तक पहुंचे हैं। चमेली क्या कहने वाले हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए कुछ ही देर में किसी पड़ोसन ने सुना, पड़ोसन मतलब नेबर, पड़ोसन ने सुना, चमेली से सुना, क्योंकि चमेली तक आकर रुका था, चमेली तक आकर रुका था। वह कहते वो क्या कहा न कबूतर, क्या कहते हैं देखे। पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झुंड के झुंड, झुंड यानी समूह, झुंड समूह। बच्चों याद रखना है झुंड के झुंड पक्षी निकले है, वो भी किस किस तरह का पक्षी है। देखिए झुंड के झुंड कबूतर भी निकले हैं और साथ ही साथ कौवे भी निकले हैं, काव काव कौवे, और साथ ही साथ मुर्गे भी निकले हैं, गौरैये भी निकले हैं। गौरैया यानी गुब्बच्ची कहते हैं, छोटा सा पक्षी कहते हैं ना, गुब्बच्ची आपके घर के अंदर वह जो नेस्ट बनाकर रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, घर में आते हैं, वैसा जो गौरैया गुब्बच्ची कहते हैं, गुब्बच्ची। यस, झुंड के झुंड समूह के समूह कबूतर, कौवे, गौरैया, मुर्गे, ये सभी आदि निकल रहे हैं गांव में। इसका मतलब है चमेली ने पड़ोसी से यहां कहा और पड़ोसी ने क्या कहा, देखिए गांव में यहां तक खबर फैल गया। खबर यानी समाचार, प्लीज याद रखिए खबर अर्थात समाचार। यहां तक न्यूज स्प्रेड हुआ कि समाचार फैल गया कि कबूतर गांव में, यहां तक समाचार फैल गया कि कई आकार के और कई रंग के, यहां तो कौवे मुर्गे गौरैया कबूतर इतना कहे कहे, और एक और पड़ोसी ने क्या कहा, कई आकार के बड़ा बड़ा आकार के बका पक्षी, मोर, बाज, गीदड़, ये सभी निकले हैं, ये सभी बोलू के मुंह से एक के बाद एक।
निकल रहा है। यदि आपको पक्षी देखना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली बोलों के सामने जाकर देखना है। ऐसे जो न्यूज तक समाचार गांव में फैल गया, कई आकार, आकार यानी साइज, रंग यानी कलर, पक्षी, विदेशी पक्षी भी निकले हैं। केवल इंडियन पक्षी नहीं है, भारत के पक्षी ही नहीं है, भारत से बाहर मतलब वहां का पक्षी भी यहां आकर मतलब बोलू के मुंह से निकल रहे हैं, बोलू के मुंह से निकल रहे हैं। इन पक्षियों से आकाश भर गया है। इन्होंने इतना सारे पक्षी बाहर निकालकर पूर्ण आकाश पक्षियों से भरा है। जहां भी देखो वहां देखो पक्षी है, यहां देखो पक्षी है। इनकी सबकी सृष्टि करता है बोलू। यह समाचार पहले है, असल में क्या हुआ था, केवल बोलू के मुंह से भी नहीं है, पहले हुए दूध में उसे दो पंख नजर आया था। यहां देखिए विदेशी पक्षी तक बोलू के मुंह से निकले हैं, यहां कवर पहन गए हैं। राई का पहाड़ बनना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, यह मोहर अत्यंत इंपॉर्टेंट है। आगे इसका अर्थ क्या है, एक छोटी सी कबर को बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बन देना, स्मॉल इंसिडेंट को बड़ा चढ़ा करके। दो पंख को बहुत बड़े बड़े पक्षी और रंग बिरंगे पक्षी और तथा विदेशी पक्षी भी कह देना, यह राय का पहाड़ के लिए उदाहरण है। राय का पहाड़ मतलब छोटा सा जो विषय हो बड़ा चढ़ाकर कह देना। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे, यहां से ही नहीं है, यहां इंसिडेंट यदि इंद्राणी में हुआ तो इंद्राणी से ही नहीं है, मणिपाल, परकड़ा, आत्रणी, यहां सभी जगह समाचार फैल गया और वहां के लोग आने लगे। इंद्राणी में बोलू के मुंह से बहुत सारे पक्षी निकले हैं, ऐसा जो समाचार दूर दूर तक फैलने के कारण से सभी बोलू के घर आने लगे, बोलू के घर आने लगे। बेचारा इनोसेंट, बेचारा मतलब इनोसेंट बोलो भयभीत होकर, ये लोग आकर क्या क्या कहने वाले हैं, क्या क्या बनने वाले हैं, इन सभी से डर कर हमारा बोलो भयभीत होकर एक पेड़ पर चढ़ गया। एक पेड़ था गांव में, एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया। चढ़ना यानी हत्तुवुदु एरुवुदु मरवन्नेरिदनु। वह भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर चिप गया। थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद इसको फाइंड आउट कर दिया। इसका मतलब थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ लिया मतलब फाइंड आउट कर दिया। इस मतलब सभी जगह बोलू के घर में देख रहा है नहीं, आंगन में देख रहा है नहीं, पूरे गांव में भी उन्होंने ढूंढने के लिए प्रारंभ कर दिया, लेकिन बोलू नहीं मिला। क्यों बोलू को देखना चाहते हैं, क्योंकि वह देखना चाहते हैं आखिर कौन कौन से आकार का पक्षी बाहर आए हैं, यहां तो इस गांव में पक्षी ही नहीं है। इसलिए बोलू के मुंह से इन सभी पक्षियों को देखने के लिए उत्सुक होकर लोग वहां आए थे। उसकी घबराहट देखकर लोग को समझ में आया बोलू घबरा रहा था, डर रहा था, ऐसा डर रहा था कि वह घबराहट, उसका घबराहट यानी घबरने का भावना है, घबरा इसका भावोच्च संज्ञा रूप है घबराहट। घबराहट देखकर लोग को एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में आया कि किसी भी रहस्य कहने से पहले 10 बार सुनना है। कोई भी रहस्य, चाहे कितने भी नजदीकी रिश्तेदार हो, कितने भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कितने भी आपका हित शुभचिंतक हो,
कोई भी हो, ऐसे जो आपको रहस्य कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। इन सभी विचारों पर 10 बार सोचना अत्यंत अनिवार्य माना जाता है। जो याद रखना है आपको, याद रखना है आखिर ये सभी क्या हो रहा है। यस ओके। घर में भी माँ बाप से कहे तो वो किसी से भी नहीं कहते, फिर भी आपको रहस्य छुपा कर रखना है ऐसा कहना शायद गलत ही है। माँ बाप से कोई भी विचार छिपा कर नहीं रखना है। इतना बड़ा रहस्य समझ लीजिए किसी को अपमान करना है, वैसा रहस्य है तो आप उसको रहस्य रहस्य में ही रखने दो। किसी ने मुझे विवस्त्र देखकर नहीं तो ताली बजाए, ये सभी विचार किसी के सामने नहीं कहना है, क्योंकि क्या है आपकी मर्यादा ही टूट जाते हैं, वहां गिर जाते हैं। इस ऐसे जो विषय को रहस्य को रहस्य में ही रखना चाहिए। बच्चों इसके इस पाठ के माध्यम से आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं? रहस्य को किसी से कहने से पहले 10 बार सोचना है। क्या यह आदमी पूरे लोग मतलब पूरे समाज में यह फैलाएगा या इसको रहस्य में ही रखेगा, मेरा बचाव करेगा, ये सभी सोचकर आपको यह देखना है। बच्चों इसके नोट्स पीडीएफ के माध्यम के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। एक और विचार है, इसका एक वाक्य का क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर आज हम पढ़ता हूँ और कल आपको संज्ञा तथा मतलब आने वाली कक्षा में संज्ञा तथा मोहरों का अर्थ भी कहने वाला हूँ, ये सभी याद रखना है। एक वाक्य का क्वेश्चन आंसर देखिए। एक दिन बोलो क्या कर रहा था, एक दिन बोलो आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। दूध कहाँ पाया गया? दूध जमीन आंगन के आंगन में फैल गया। देखिए दूध पी रहा था, उसके कहां से आया दूध, का लोटा लुढ़क गया और थोड़ा सा दूध जमीन पर फैल गया। दूध में उसको क्या दिखाई दी? वेरी इंपॉर्टेंट है, दूध में उसको दो पंख दिखाई दी। हीरा किसे न पहुंचा पाए, जो बोलो कहा था दो पंख के विचार, वह हीरा पहुंचा ना पाए। चंपा ने किसको देखते ही सारी बात उगल दी, उगल दी मतलब उल्टी मड़ोदू। चंपा ने चमेली को देखते ही सारी बात उगल दी। चमेली ने चंपा से क्या कहा? चमेली ने चंपा से कहा कि कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसा होगा? दूर दूर से लोग क्या देखने आने लगे? बोलू के मुंह से बहुत सारे रंग बिरंगे नए नए आकार के और बहुत सारे पक्षी बाहर निकले हैं, इनसे आकाश भरा हुआ है। यह समाचार सुनते ही सभी लोग इन पक्षियों को देखने के लिए आने लगे। बेचारा बोलू ने भयभीत होकर क्या किया? एक पेड़ पर चढ़ गया। प्लीज एक और बात, इस मिस मिर्च मसाल के पाठ में इन सभी विचारों को एक बार देखेंगे। बोलू हीरा चंपा चमेली एक पड़ोसी, इनका मूल है पंख। बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, दूध पीते वक्त उसको दो पंख नजर आया, दो पंख नजर आते इन्होंने हीरा से कहा। हीरा ने चंपा से कहते वक्त वह कह दिया बहुत सारे पंख निकले हैं। चंपा ने चमेली से कहते वक्त पूरा कबूतर निकले हैं। चमेली एक पड़ोसी से कहते वक्त वह पूरा कबूतर ही नहीं है, झुंड के झुंडे कबूतर मुर्गे गौरे ये सभी निकले हैं। एक पड़ोसी में विदेशी के नई नई रंग के नए नए आकार के पक्षी भी निकले हैं, ये सभी समाचार फैलने लगे। इसलिए ओबर किवी इनबर किवी अंदर ओबर बाई इनबर बाईगे किवी होगा ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆನೆ ವಾಲಿ ಕಕ್ಷಾ ಮೇ ನಮ್ಮ
इसके ग्रामर का जो विस्तृत अध्ययन तथा संज्ञा तथा मुहावरों के बारे में भी